हेलो नमस्कार दोस्तों, वीएलयू सोसाइटी परफेक्ट सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जो 200 पदों के लिए भर्ती खुली है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, महिला एवं बाल विकास की ओर से पर्यवेक्षकों के लिए जो 200 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती खोली गई है दोस्तों, चलिए हम उसके बारे में आपको बता देते हैं। क्या उनकी योग्यता होगी और उनकी उम्र सीमा क्या होगी, कितने उसके लिए पद हैं और क्या उनके लिए वेतनमान रखा गया है और कौन कौन से कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट यहाँ पर आरक्षित किए गए हैं और अनारक्षित के लिए कितने पद हैं यहाँ पर, और इसमें सिलेबस क्या क्या रहेंगे, कौन कौन से इस पर क्वेश्चन आने वाले हैं, चलिए मैं आपको पूरी इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ की ओर से पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर खुली सीधी भर्ती परिसीमित सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत पर्यवेक्षक, जिसको आप सुपरवाइज़र भी कहते हैं, तो उसके लिए रिक्त पद हैं जो कि 200 पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा यहां पर आयोजित किया जाएगा। पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी केवल महिला उम्मीदवार से ही छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर परीक्षा आयोजन किया जाएगा। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, जिन मेरे माताएं बहनें हैं तो ये उन्हीं के लिए है, इसमें पुरुष जो कि यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ महिला वर्ग ही यहाँ पर आवेदन करेंगे दोस्तों, क्योंकि यह पर्यवेक्षक का भर्ती है और महिला एवं बाल विकास की ओर से है। तो दोस्तों इस पर सिर्फ केवल महिला उम्मीदवार को ही यहां पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह जो पोस्ट है, 200 पोस्ट जो खुले हैं, सिर्फ महिला के लिए यहां पर खोली गई है, तो आप सिर्फ यहां पर महिला उम्मीदवार ही इस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो परीक्षा का जो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर जो 3 दिसंबर को ही यहाँ पर शुरू हो जाएगा, और परीक्षा का जो अंतिम तिथि होगा ऑनलाइन फॉर्म भरने की, तो 30 दिसंबर 2021 तक रात्रि 11:59 तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं यहाँ पर। और जो दोस्तों यहाँ पर परीक्षा की जो संभावित तिथि रहेगी, जो कि परीक्षा होगी, तो 23 जनवरी 2022 दिन रविवार को यहाँ पर संभावित तिथि इसकी रखी गई है, जो कि परीक्षा के लिए संभावित तिथि घोषित की गई है यहाँ पर। और हम आपको बता दें यहाँ पर पद, नाम एवं श्रेणी, तो पर्यवेक्षक तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है, केवल महिलाओं के लिए है यह, और सिर्फ महिलाएं ही इस पर ऑनलाइन आवेदन करेंगी दोस्तों, जो कि 3/12 से चालू हो जाएगा और 30/12 तक चलेगा रात्रि के 11:59 तक। दोस्तों इसके लिए वेतनमान जो रखा गया है, तो 5200 से 20200, ग्रेड वेतन 2400 और मैट्रिक्स वेतन जो लेवल रखा गया है 6वें लेवल के अंतर्गत इसको रखा गया है दोस्तों। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं सीधी भर्ती के बारे में, तो किसके लिए कितने पद हैं यहाँ पर। जो कि खुली सीधी भर्ती है उनके लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसमें अनारक्षित के लिए जो कि पोस्ट है 42 पोस्ट है यहाँ पर, और जो कि अजाजा के लिए यहाँ पर पोस्ट है 32 पोस्ट रखे गए हैं, और अजा के लिए जो पोस्ट है 12 पोस्ट रखे गए हैं दोस्तों यहाँ पर, और अपयू के लिए जो पोस्ट है यहाँ पर 14 पोस्ट रखे गए हैं। टोटल 100 पोस्ट यहाँ पर होते हैं दोस्तों, जिसको लेवल 6 के अंतर्गत रखा गया है 5200 से लेकर 20200 ग्रेड वेतन पर, और 2400 मैट्रिक्स वेतन लेवल 6वें स्थान पर इसको रखा गया है दोस्तों। या आप यहाँ देख सकते हैं दिव्यांग जो है उनके लिए भी यहाँ पर पोस्ट डिवाइड की गई है, तो आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो दिव्यांगजन के लिए अनारक्षित में भी यहाँ पर पोस्ट आरक्षित की गई है, उनके लिए 3 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है दोस्तों। तो इस पर अभी ये तो सारी पोस्ट जो है महिलाओं के लिए हैं, तो महिला पुरुष इसमें नहीं दिया गया है, क्योंकि सारी जो पोस्ट हैं दोस्तों महिलाओं के लिए हैं, तो जो कि दिव्यांगजन के श्रेणी में आते हैं महिलाओं के लिए यहाँ पर, तो उनके अनारक्षित के लिए 3 पोस्ट दिया गया है, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो कि है उनके लिए भी 3 पोस्ट दी गई है यहाँ पर, और अजा के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट दिया गया है दोस्तों, और जो अपयू है उनके लिए कोई भी पोस्ट यहाँ पर दिव्यांगजन के लिए नहीं रखा गया है।
हम योग करें अगर दोस्तों, तो टोटल यह 100 पोस्ट होता है जो कि खुली सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। उसके बाद 100 जो पोस्ट हैं दोस्तों, वो हमारा 100 जो पोस्ट है यहाँ पर परिसीमित सीधी भर्ती होगा। अब परिसीमित सीधी भर्ती क्या है उसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बता दें। तो दोस्तों, जो परिसीमित सीधी भर्ती है वह जो इस पर पहले से जो कार्य कर रहे होंगे उनके लिए, अगर वो लोग इस पर आवेदन करेंगे तो उनके लिए यहाँ पर 100 पोस्ट रखा गया है। तो 97 पद जो हैं वो नियमित पद हैं और जो बैकलॉग हैं वो 3 पद रखा गया है यहाँ पर। तो टोटल जो योग होता है इनका 100 पोस्ट होता है यहाँ पर दोस्तों। पर सीमित वो होते हैं जो पहले से इस विभाग में कार्यरत हैं और जो कि 10 साल की यहाँ पर सेवा अवधि अपनी दे चुके हैं सेवा इस विभाग में, तो वो लोग परिसीमित सीधी भर्ती के अंतर्गत आएंगे और 100 पोस्ट उनके लिए भी जारी किया गया है। 97 जो कि नियमित है और 3 जो है बैकलॉग पद के अनुसार से यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। और जो कि वेतन लेवल है दोस्तों, यहाँ पर वेतन लेवल यहाँ पर सेम रखा गया है, 5200 से लेकर 20200 तक ग्रेट वेतन जो है 2400 लेवल छठवें स्थान पर इसको भी रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको सीजी व्यापम की ओर से यह जारी किया गया है जो कि प्रेस विज्ञप्ति है, और सीजी व्यापम के माध्यम से ही इसका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा दोस्तों, जो कि 3 दिसंबर से ही शुरू हो जाएगा और जो कि 30 दिसंबर तक 11:59 रात्रि तक यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप इसको अंतिम तिथि तक ना देखें दोस्तों, इसको जल्द से जल्द आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में, सिलेबस के बारे में और उम्र योग्यता के बारे में जान लेते हैं अच्छे से दोस्तों। तो उसका जो PDF रहेगा मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसको निकाल के अच्छे से रीड कर सकते हैं दोस्तों, और उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं वहां पर दोस्तों। ये जो PDF है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से जो संस्था का नाम है जिस पर भर्ती होना है दोस्तों, तो सीजी व्यापम के माध्यम से भर्ती होना है। यहाँ पर जो कि पद नाम है महिला सुपरवाइज़र है, पदों की संख्या 200 है और परीक्षा की जो तिथि रखी गई है दोस्तों 23 जनवरी 2022 को संभावित तिथि रविवार के दिन रखा गया है। परीक्षा का जो पूर्णांक रहेगा दोस्तों 200 नंबर का रहेगा पूर्णांक इसका, और समय आपको 3 घंटे दिया जाएगा। पात्रता और जो मानदंड है यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है, स्नातक की डिग्री मांगी गई है दोस्तों, ताकि आप यहाँ पर अच्छे से समझ जाएं। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आप स्नातक चाहे किसी भी सब्जेक्ट, आप जैसे BA से हैं, BSc से हैं, BCom से हैं, मैथ्स से हैं, जिससे भी आप स्नातक की डिग्री किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पात्र हैं। आयु सीमा जो रखी गई है दोस्तों उसके लिए अभी 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य रखा गया है। हालांकि जब इसका और प्रेस विज्ञप्ति आएगा तो उसमें अच्छे से और आपको हम दिखा देंगे, बता देंगे, लेकिन इसका जो आयु सीमा भी रखा गया है 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य यहां पर रखा गया है। और वेतन हम आप लोग को बता ही चुके हैं 5200 से लेकर यहाँ पर 20200 तक रखा गया है, तो राउंड फिगर में यह 25000 मान के चलिए, तो 2400 जो ग्रेड पे यहाँ पर रखा गया है दोस्तों। यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो जो ये हमारा महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित जो इसका सिलेबस जो है, तो हिंदी का सिलेबस हम आपको यहाँ पर बता देंगे। तो दोस्तों पहला जो यहाँ पर सिलेबस में जितना अंक का क्वेश्चन आएगा, तो महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर 40 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। दूसरा जो रहेगा सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान से 80 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन उठाए जाएंगे दोस्तों। सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ भाषा सामान्य ज्ञान से यहाँ पर 30 अंक के क्वेश्चन उठाए जाएंगे। जनरल जो सामान्य अंग्रेजी भाषा है उसमें से 20 अंक के क्वेश्चन उठाए जाएंगे दोस्तों। और जो पांचवा है गणित से हमको यहाँ पर 30 अंक के क्वेश्चन उठाए जाएंगे दोस्तों। टोटल हमको 200 अंक की क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा, 200 अंकों का पूर्णांक यहाँ पर रहेगा, समय आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, वहाँ से आप उसको 3 घंटे में फाइट करना है आपको। यहाँ से हम इसको खुलकर भी देख सकते हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम जो हैं
उनके अंतर्गत किन कौन कौन से यहाँ पर, तो 9 सेक्टर से यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, आंगनबाड़ी की सेवाएं, उद्देश्य सहित ग्राहियों का चयन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के दायित्व, आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदंड, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, कुपोषण एवं वृद्धि निगरानी, वजन त्यौहार, शिशु व मातृ मृत्यु दर, टीकाकरण, बच्चों को पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाली बीमारियों विभाग के यहाँ पर केंद्र प्रवर्ती योजनाएं, पोषण अभियान, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, सखी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना, यहाँ पर बाल गृह, बाल संप्रेक्षण, गृह कामकाजी महिला हॉस्टल, स्वाधार एवं उज्ज्वला के अंतर्गत यहाँ पर पूछा जाएगा। विभाग राज्य मत की योजनाएं, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, संस्कार अधिकार अभियान, सूचित योजना, महतारी जतन योजना, नोनी सुरक्षा योजना, नवा बिहान योजना, महिला जागृति शिविर, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना, सक्षम योजना एवं नारी निकेतन के अंतर्गत यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ से हम इसका आपको और अच्छे से समझ में आए इसलिए हम आपको PDF नीचे डाल देंगे, वहाँ से आप इसको उठा लीजिएगा दोस्तों और वहाँ से अच्छे से रीड कर लीजिएगा और उसके हिसाब से आप आज ही से इसका तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर सामुदायिक सहभागिता, महिला एवं स्व सहायता समूह, महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान यहाँ पर दिया गया, उसके अंतर्गत यहाँ पर पूछे जाएंगे क्वेश्चन। भाग दो में दोस्तों यहाँ पर सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विषमताओं को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर और चित्रों के संबंध, तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी योग्यता, छत्तीसगढ़ में संबंधित इतिहास, सामान्य जानकारी, घटनाएँ, खेल एवं साहित्य के बारे में, यहाँ पर भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाक्रम, भारत का संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, लोकतंत्र, भारत की अर्थव्यवस्था, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, सामाजिक आर्थिक विकास, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र, पंचवर्षीय योजनाएँ, कृषि एवं ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, मुद्रा संकोचन एवं मुद्रा प्रसार के अंतर्गत यहाँ पर क्वेश्चन उठाए जाएंगे। भूगोल से भी क्वेश्चन उठाए जाएंगे, सामान्य विज्ञान से भी यहाँ पर क्वेश्चन उठाए जाएंगे दोस्तों। तीसरा भाग है सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ भाषा का सामान्य ज्ञान। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत शब्द रचना, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अनेक शब्द का एक शब्द, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, यहाँ पर स्वर, व्यंजन, वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, युग्म, लिंग, वचन एवं काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, व्यवहारिक प्रयोग, शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य का यहाँ पर क्वेश्चन सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ भाषा सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पूछा जाएगा। अंग्रेजी में यहाँ पर दोस्तों नंबर, जेंडर, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, टेंस, एंटोनेम, सिनोनिम, और यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पर स्पेलिंग के लिए यहाँ पर पूछे जाएंगे दोस्तों। पांचवा जो भाग है गणित का, यहाँ पर दशमिक प्रणाली के अंतर, दशमिक प्रणाली और सम संख्या एवं विषम संख्या, गुणनफल एवं भागफल, अनुपात एवं समानुपात, औसत प्रतिशत, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि एवं क्षेत्रफल आंकलन, ये सारी चीज़ें पूछे जाएंगी दोस्तों। इनसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो जो यहाँ पर ऊपर मैंने अंक बताया है उतने ही अंक का, जैसे गणित का 30 अंक का, जनरल सामान्य इंग्लिश का यहाँ पर 20, और जो कि सामान्य हिंदी भाषा का ज्ञान से यहाँ पर 30 अंक, और सामान्य मानसिक योग्यता से 80 अंक, और ऊपर महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएँ एवं कार्यक्रम की जो है 40 अंक, टोटल कुल मिला के 200 अंक होते हैं दोस्तों। तो इन ये जो हैं सेक्टर यहाँ पर विभाजित की गई हैं, उनमें से इन सारी जो कि सेक्टर यहाँ पर देख रहे हैं बिंदु, 9 बिंदु से इसमें से उठाएंगे, उसके बाद 9 बिंदु से इसमें से उठाएंगे, फिर 8 बिंदु से इसमें उठाएंगे, 8 बिंदु इसमें, फिर यहाँ पर 6 बिंदु से इसमें उठाया जाएगा। तो ये इसका कंप्लीट सिलेबस है दोस्तों महिला पर्यवेक्षक का यहाँ पर,
तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसके हिसाब से आप अपना तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यह पहली बार है कि केवल महिलाओं के लिए यहाँ पर महिला सुपरवाइज़र का 200 पद के लिए भर्ती किया जा रहा है सीजी व्यापम के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से। तो आशा करते हैं दोस्तों यह जो पोस्ट है आप लोगों को पसंद आया होगा, जानकारी समझ में आया होगा। अगर कुछ भी परेशानी आपको लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वहां आपको जानकारी दे देंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।